क्या आप जानते हैं हर 100 में से 5 महिलाओं को हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। हाय, मैं अफरानाज, मैं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर हूँ, स्लिमिंग थेरेपिस्ट हूँ और चाइल्ड केयर एडवाइजर हूँ। आज हम बात करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। तो पहले ये जानते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में, जब जरूरत से भी कम थायराइड ग्लैंड हमारे बॉडी में थायराइड हार्मोन को सिक्रीट करता है तब हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। जब इस कंडीशन का ऑपोजिट कंडीशन होता है, यानी जरूरत से ज़्यादा थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी सिक्रीट करेगी, तब हमें हाइपरथायरॉयडिज्म डिटेक्ट होता है। ये डिटेक्शन हमें एक ब्लड टेस्ट के थ्रू पता चलता है, जिससे हम T3, T4 और TSH लेवल्स देखते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म को डायग्नोस करने के लिए एक स्कैन भी किया जा सकता है, जिसको थायराइड स्कैन बोलते हैं, जो एक न्यूक्लियर मेडिसिन स्कैन होता है। तो अब उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, आइए जानते हैं। थायराइड के सिम्टम्स होते हैं कम्प्लीटली ऑपोजिट टू हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स होते हैं थकावट होना, डायरिया रहना, वोमिटिंग्स जैसी फीलिंग्स आना, वेट लॉस होता जाना, मसल लॉस होना। कभी कभी आपने सुना होगा किसी के मुंह से कि हम लोग खाना खा रहे हैं बट असर नहीं हो रहा है। दैट कुड बी बिकॉज ऑफ योर हाइपरथायरॉयडिज्म। हमारा BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस करता है, वो ज़रूरत से भी ज़्यादा हाई हो जाता है। तो इट मेटाबोलाइजेज एवरीथिंग, बी इट फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और इवन योर मसल्स। तो जब हमारा मैल नरिशमेंट होना शुरू होता है, देन इज द मोमेंट व्हेन वी स्टार्ट फीलिंग कि हमारा मसल लॉस हो रहा है। पीपल माइट से कि वेट बहुत ज़्यादा गिर रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा, और बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा वेट हमारा डिक्रीज हुआ है। तो आइए जानते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म और किन किन वजह से हो सकता है। ग्रेव्स डिजीज की वजह से हमें हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है, थायरॉयडाइटिस की वजह से हो सकता है, एक्सेसिव आयोडीन कंजम्पशन की वजह से हो सकता है, आयोडीन कॉन्ट्रास्ट की वजह से हमें हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है, हाशिमोटोस की वजह से हमें हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। पीपल विद द एज ऑफ 50 और अबव मे लीड टू हैव हाइपरथायरॉयडिज्म वेरी ईजीली। हाइपरथायरॉयडिज्म विमेन्स में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेन। तो आइए हम जानते हैं कि हमें हाइपरथायरॉयडिज्म में कौन से फूड्स इंक्लूड करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। सबसे पहले कुछ विटामिन्स पे हम लोग ध्यान देते हैं, जैसे विटामिन डी, कैल्शियम एंड आयरन। जब हमें लगता है कि हमारी बॉडी में आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू करेक्ट दोज डेफिशिएंसीज। दूसरी चीज़, आपको आयोडीन बिल्कुल बंद नहीं करना है, रादर अपने मेडिकेशंस पे और प्रॉपर डोजेज पे आपने ध्यान करना है। प्रॉपरली डॉक्टर से जाके यू हैव टू कीप अ मॉडिफिकेशन स्केल विद यू कि आपने लास्ट मंथ या फर्स्ट मंथ कौन से मेडिसिन पे आए, देन यू हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग दोज मेडिकेशंस एज पर टू योर डॉक्टर्स एडवाइस। कभी भी खुद से आपको मेडिसिन अवॉइड नहीं करना है या मेडिसिन में चेंजेस या मॉडिफिकेशंस नहीं लाने हैं। कुछ फूड्स होते हैं जिनमें हाई आयोडीन होता है, जैसे आपका फ्राइड फूड हो गया, कैंड फूड हो गया, पैकेज्ड फूड हो गया, फ्रोजन ट्यूनाज हो गए आपके, डीप फ्राइड हो गया, पराठाज हो गया, अचार्स हो गया, हाई आयोडाइज सॉल्ट्स हो गए। यू हैव टू अवॉइड ऑल दीज। इसके अलावा आप डाइटरी मॉडिफिकेशंस कोई नहीं करेंगे, देर इज़ नो रिक्वायरमेंट फॉर दैट। यू कैन हैव एनी वेजिटेबल्स, यू कैन हैव एनी फ्रूट्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का प्रपोर्शन शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल पर डे। अगर आप 200 ग्राम्स ऑफ फ्रूट्स ले रहे हैं रोजाना, विच इज़ इक्वल्स टू 2 quarter plates, तो एटलीस्ट आपको 150 टू 180 ग्राम्स ऑफ वेजिटेबल्स एवरीडे कंज्यूम करना ही है। हाई फाइबर डाइट आपने लेते रहना है, हाई प्रोटीन डाइट यू हैव टू इंक्लूड, बिकॉज हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से मसल लॉस होता है मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए, सो वी हैव टू कीप ऑन इंक्रीजिंग द प्रोटीन इनटेक। प्रोटीन इनटेक खुद से इंक्रीज ना करें, इट्स बेटर टू गो एंड कंसल्ट योर क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और डायटिशियन बिफोर डूइंग एनी मॉडिफिकेशंस। आपको मीडियम टू लो आयोडाइज सॉल्ट इंक्लूड करना है। फिश, चिकन एंड एग वाइट्स ऑफ द एग्स आपको एवरी डे लेना है, ईदर ऑफ द 3।
बॉइल्ड फॉर्म में लेंगे तो दैट इज मच बेनिफिशियल फॉर यू बिकॉज मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट है तो इट विल मेटाबोलाइज एवरीथिंग. यू डोंट हैव टू थिंक कि मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट है तो यू कैन ईट एनीथिंग. एज आई जस्ट टोल्ड यू कि फैट्स फ्राइड पैकेज्ड फूड आपको अवॉइड करना है बिकॉज दैट मे हिंडर टू योर थायराइड कंडीशंस. कुछ लोगों का ये मानना होता है कि नॉन आयोडाइज सॉल्ट यूज करेंगे जैसे सेंधा नमक हो गया या नॉन आयोडाइज आप वेजिटेबल्स लेंगे विच इज ब्लैंच्ड. ब्लैंचिंग करके उनका आयोडीन मैक्सिमम रिमूव कर दिया जाता है. दैट मे लीड टू हाइपर थायराइड स्टॉर्म विच इज अ वेरी बैड कंडीशन फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म पेशेंट. ये सब डिसीजन लेने से पहले फर्स्ट यू हैव टू टेक द एडवाइस ऑफ योर डॉक्टर और योर क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट. दूसरी एक गलती अक्सर लोग ये भी करते हैं कि दे डू स्किप आयोडीन, दे डू रिस्ट्रिक्ट आयोडीन बट दे डू नॉट स्किप कैफीन इनटेक. कैफीन हिंडर्स एंड समवॉट स्टॉप्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ योर मेडिकेशंस. वो अफेक्ट ऑलमोस्ट कम कर देता है. तो अगर आप चाहते हैं आपके थायराइड की मेडिकेशंस का अफेक्ट 100% हो यू हैव टू कट डाउन योर कैफीन्स. आपका कैफीन सिर्फ चाय या कॉफ़ी में नहीं होता है. कुछ ग्रीन टीज भी होती हैं जो कैफीन के साथ आती हैं. कुछ ग्रीन कॉफीज भी होती हैं जो कैफीन के साथ आती हैं. बेवरेजेस कोका कोला पेप्सी फैंटास ऑल दीज सॉफ्ट ड्रिंक्स कंटेन हाई अमाउंट ऑफ कैफीन्स. तो इफ़ यू वॉन्ट कि आपका मेडिकेशंस इफेक्टिव रहे, आपका लाइफस्टाइल मॉडिफाइड रहे और आपका हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म मेंटेन रहे, बैलेंस रहे, तो यू हैव टू कट डाउन कैफीन फ्रॉम योर डाइट. आई होप ये डाइट टिप्स आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. इफ यू हैव एनी क्वेरीज और डाउट यू कैन डेफिनेटली लीव देम इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो. थैंक यू.